Hello children, I am Parampreet and I am going to do lesson 4th of your book Honeysuckle, that is An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. बच्चो तुम सबने कल्पना चावला के बारे में सुना होगा, अगर नहीं तो वो एक इंडिया की ऐसी महिला थी जो छोटे से शहर से निकल के नासा से उन्होंने अपनी एक उड़ान भरी और वो एस्ट्रोनॉट थी, इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट। तो आप सब ध्यान से सुने, अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चिल्ड्रन, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई नीड टू शो यू सम पिक्चर्स। Kalpana Chawla, she is the first Indian American woman in space. This is space. Space samajhte ho bachcho? Antariksh. And this is spacecraft. Antariksh yaan, jisme baithke astronauts antariksh mein jaate hain. So an Indian American woman in space. बच्चों स्पेस वो जगह होती है जहां पे अर्थ का एटमोस्फियर बंद हो जाता है और प्लेनेट, स्टार, गैलेक्सीज, इनका एटमोस्फियर स्टार्ट हो जाता है। और स्पेस क्राफ्ट जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था, स्पेस क्राफ्ट ये एक इस तरह का यान होता है जिसमें कि एस्ट्रोनॉट्स बैठकर स्पेस में जाते हैं और वहां पे जाके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। बच्चों ये एरोप्लेन से डिफरेंट है। एरोप्लेन जो होता है, एरोप्लेन में हम एयरक्राफ्ट जिसे हम बोलते हैं वो फ्लाई करता है एयर में, लेकिन अंतरिक्ष यान ये स्पेस में फ्लाई करता है और इसमें अपनी खुद की ऑक्सीजन, अपनी खुद की एयर ले जानी पड़ती है क्योंकि वहां पे ग्रेविटी जीरो हो जाती है और वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर चिल्ड्रन, एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। बच्चों सबसे पहले कल्पना चावला का जो यान था हमें उसके बारे में कुछ जानना होगा। वो अपने यान में जो कि जिसका नाम कोलंबिया स्पेस शटल था और वो अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेजेडी हो गई कि वो वापस नहीं आ सकी अपने यान से और उनके एक्सपेरिमेंट्स, हालांकि कुछ उन्होंने इमेजेस हमें भेजी हैं लेकिन वो हमें वापस, उनकी वो जो लास्ट जर्नी थी उसके बाद वो हमें वापस नहीं मिल पाई। सो लेट मी रीड दिस थिंग फॉर यू। ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। सो ये उस टाइम की बेटा एक रिपोर्ट है। इन एन अनप्रेसेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड सिक्स अदर्स broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1st Feb 2003, killing all 7 on board. So, वो जो unfortunately वो जो तारीख थी वो 1 फरवरी 2003 थी, 2003, जिसमें कि जितने भी 7 astronauts जो travel कर रहे थे, जो अपने experiments कर रहे थे, वो सब के सब कभी वापस नहीं आ पाए। The shuttle lost contact with NASA at about 9 a.m. as it came in for landing. It was flying at an altitude of over 200,000 feet and traveling over 20,000 km per hour when ground control lost contact with the shuttle. अब पहले तो उनका contact NASA से बना हुआ था। NASA जो एक institute है space जहां से सारा स्पेस
की पूरी जानकारी और जहाँ जहाँ से हमारे स्पेस शटल्स जो लैंड करते हैं और यहाँ से अपनी उड़ान भरते हैं, तो वहाँ से उनका कंट्रोल था वो टूट गया था, उनसे उनका लिंक टूट गया था. कोलंबिया जो उनके स्पेस शटल का नाम था हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16th जनवरी 2003. यहाँ से कोलंबिया 2003 में जनवरी में वो लिफ्ट किया था गया था फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर. स्पेस सेंटर का नाम था कैनेडी, फ्लोरिडा में है ये. इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज एंड द 7 मेंबर क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स. 16 दिनों के लिए ये वहां पे रहा और वहां पे 80 के करीब एक्सपेरिमेंट्स हुए. बिफोर इट बिगेन इट्स डाउनवर्ड जर्नी विच एंडेड इन ट्रेजेडी. दिस वॉज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वॉज सेट टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स. अभी तो ये कोलंबिया जब नीचे आने लगा तो आते आते ये ट्रेजेडी इनके साथ हो गई और ये फिर कभी वापस नहीं नीचे आ सका. तो ये इसकी 28th फ्लाइट थी. सो दिस वॉज द रिपोर्ट बच्चों, ये जो रिपोर्ट न्यूज़पेपर में छपी हुई थी. नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस. इट वॉज एनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड द इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल. सो कल्पना चावला ने खुद ये वाली बात कही कि जैसे वो करनाल में जिस तरह से वो बॉर्न हुई, जो कि हरियाणा का एक छोटा सा शहर है, वहां से एक लड़की के लिए पढ़ना और फिर उसके बाद इंजीनियरिंग करने के लिए कॉलेज जाना बहुत बड़ी बात थी. आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर शी वेंट अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. शी लेटर अर्न्ड हर PhD in aerospace engineering. Kalpana Chawla was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida and participate in a successful mission in space. Her family from India cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off. To bachcho, साइंस में बैचलर्स डिग्री लेने के बाद उन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री ली. हालांकि उनके पिताजी ने इस बारे में बहुत उनको रोका, लेकिन वो अपने एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहती थी और उन्होंने अमेरिका से अपनी मास्टर्स डिग्री करी और फिर उन्होंने PhD भी की और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उन्होंने डॉक्टरेट हासिल की. तो बच्चों, कल्पना चावला एक पहली इंडियन वुमेन थी जो कि एक उन्होंने अपना लॉन्च पैड एट केप कैनेवेरल, जहां से उन्होंने अपना पहला स्पेसशिप उड़ाया और उन्होंने सक्सेसफुल मिशन में पार्टिसिपेट किया और उनकी जो फैमिली थी बाद में उनके साथ, वहां से उनको चीयर करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए कैनेडी से उनका जो लिफ्ट ऑफ हुआ जब उनका कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट, तो उनको चीयर अप करने के लिए वहां आए हुए थे. कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड US सिटीजन, मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर चेन पियर हैरिसन. बिसाइड बींग एन एस्ट्रोनॉट शी वॉज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स. शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर आफ्टर qualifying as a pilot. Kalpana began to consider another challenge, applying to NASA's space shuttle program. She was first hired as a research scientist at NASA. In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है, Kalpana Chawla कहाँ born हुई? करनाल में, हरियाणा में. वो citizen बन गई US की, क्योंकि उन्होंने एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से शादी की जिनका नाम जेन पियर हैरिसन था. और एस्ट्रोनॉट होने के अलावा उन्होंने मल्टी
सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स में और सिंगल इंजन सी प्लेन्स में और ग्लाइडर्स में, ये सारे हवाई जहाज हैं, इनके इनमें उन्होंने लाइसेंस लिया हुआ था और वो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी। इतना कुछ हासिल करने के बाद, एक पायलट बनने के बाद भी उन्होंने एक नया मिशन लिया। उन्होंने नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन के लिए कदम बढ़ाया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। पहले तो उनको एक रिसर्च साइंटिस्ट की तरह वहां पे जाना पड़ा, लेकिन बाद में 1994 में उनको वहां के ऊपर जाने के लिए, स्पेस में जाने के लिए ट्रेनिंग दी गई एज एन एस्ट्रोनॉट। व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमन इन हर फील्ड, शी रिप्लाइड, आई रियली नेवर एवर थॉट व्हाइल पर्स्यूइंग माय स्टडीज और डूइंग एनीथिंग एल्स दैट आई वाज अ वुमन और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी or a different country, I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. And people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on. तो बच्चों, जब उनसे पूछा गया कि आप एक महिला होने के बावजूद आपको ये प्रोफेशन में किस तरह से लग रहा है, तो उन्होंने बोला, मैंने कभी इस बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं सोचा, मैंने अपनी ड्रीम्स को फॉलो किया, मैंने अपने सपनों की उड़ान भरी और लकीली फॉर्चुनेटली मुझे ऐसे लोग साथ में मिलते गए जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और उन्होंने मेरा ड्रीम्स में पूरा होने में मेरा साथ दिया और उन्होंने मुझे कहा, जो करना चाहती हो करो। कल्पनास फर्स्ट स्पेस मिशन इन स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 days, 16 hours and 34 minutes long। बच्चों, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि उनका जो मिशन था स्पेस शटल कोलंबिया, वो 15 days, 16 hours and 34 minutes लॉन्ग था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 times, ट्रेवलिंग 10.45 million kilometers। तो उन्होंने इस दौरान अर्थ को 252 times चक्कर लगाए और उन्होंने 10.45 million kilometers का डिस्टेंस कवर किया। The crew included a Japanese and a Ukrainian astronaut. तो इसमें ना सिर्फ इंडियन ना अमेरिकन बल्कि जापानीज और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट्स भी थे। इनका एक क्रू होता है, पूरी मेंबर्स का ग्रुप। The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about 56 million dollars। तो बच्चों, इनको 56 मिलियन डॉलर्स गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट हुए थे और उसके अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कि वहां पे जाके प्लांट्स को पॉलिनेशन करनी, प्लांट्स की उगाना वहां पे जाके, और वहां पे मेटल्स के लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, धातु के एक्सपेरिमेंट्स किए और कंप्यूटर चिप्स बनाने के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। तो ये सब वहां पे उन्होंने स्पेसशिप में कोलंबिया में ऊपर जाकर स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स करे। ऑन दैट सैटरडे, ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, देयर वाज अ शॉक एंड डिसबिलीव। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड्स ऑफ हाउसहोल्ड स्टेड ग्लू टू देयर टेलीविजन सेट्स इन द होप दैट कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड। अब जब ये कोलंबिया के डिजास्टर के बारे में पता लगा तो सारा जो दुनिया थी वो एक शॉक में थी, उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया। और करनाल जो कि उनका जन्म स्थान था, वो लोग तो वहां पे उन सारी रात जगे रहे और उन्होंने अपनी कैंडल्स भी जगाई और अपने टीवी के साथ रहे, किसी तरह से उनको ये हो रहा था कि बस उनके जीवित होने की खबर आ जाए। उसके लिए एक जर्नलिस्ट ने लिखा भी, शी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट, हर अचीवमेंट इज ऑ इंस्पायरिंग। सो एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, आपके अंदर बहुत एबिलिटी होनी चाहिए। वो एक हीरोइन की तरह थी, वो एक नायिका थी
जिसको एक बायोलॉजी से लेके एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें उनको नॉलेज चाहिए थी, और वो सुपर स्पेशलाइजेशन इस एज में उनके पास सब कुछ था और उनकी अचीवमेंट्स लाजवाब थी. फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच्ड द स्काइज, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन. अब ये स्टोरी कल्पना चावला की बहुत सारे इंडियंस के लिए और बहुत सारे वर्ल्ड के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई, एक प्रेरणा बन गई है कि किस तरह से एक छोटी सी जगह से उठकर एक लड़की जो अपने सपनों की उड़ान भरी जिसने और आसमानों को छुआ, इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल कोलंबिया टू द स्टूडेंट्स ऑफ अर कॉलेज इन चंडीगढ़. कल्पना सेट, कल्पना चावला ने अब्रॉड से बाहर से अपने बच्चों के लिए जो कि चंडीगढ़ में पढ़ रहे थे, उन्होंने एक मैसेज भेजा. द पाथ फ्रॉम योर ड्रीम्स, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट. मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गेट ऑन टू इट. विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी. तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे ड्रीम्स तक का रास्ता जो सक्सेस की तरफ, जो कामयाबी की तरफ जाता है, वो असल में एग्जिस्ट करता है, होता है. तुम्हें उस विजन की, उसको देखने की विजन चाहिए, उसको देखने का तुम्हें भगवान दिखाए, तुम्हें वो रास्ता दिखाए और तुम्हें वो हौसला दे उसको देखने का. और इसके लिए वो विश करती हैं कि तुम्हारी ये जर्नी ग्रेट हो. सो देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स. और ऐसा लगता है कि इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं. सो बच्चों, ये स्टोरी जो कल्पना चावला की आपके लिए एक इंस्पिरेशन है, तो सब बच्चों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि किस तरह से अपने सपनों को पूरा किया जाता है. चाहे जगह बड़ी हो, चाहे छोटी हो, लेकिन अगर आपके आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय है तो आप कोई भी दरिया पार कर लोगे और आसमानों को छुओगे. यू विल टच द स्काई, यू विल फॉलो योर ड्रीम्स. सो चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू गिव यू द वर्ड मीनिंग्स, यू कैन नोट इट डाउन. So this is the assignment, children. Thank you, children, and stay safe. Be happy.